आगे वाद्रा चीफ जस्टिस की भी करते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी बड़ा बयान सामने आया है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बयान दिया है वो न सिर्फ जुडिशरी के हवाले से बल्कि अमन और कानून के हवाले से इंतहाई अहम बयान माना जा रहा है। अदलिया के साथ साथ पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी उनने बड़ी बात कही है और नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जानिब से जो एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था उसमें उन्होंने दो बड़ी बातें कही। एक तो ये कि थाना जो पुलिस स्टेशन है इंसानी हुकूक और इंसानी एहतराम के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने यह दूसरी मर्तबा ऐसा बयान दिया है जब से उनने जिम्मेदारी संभाली है और नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की जा रही थी उससे इसी दौरान इस तकरीब में जो मुनक्किद हुई ऑनलाइन उसमें अपने ख्यालात का इजहार किया। तहफ्फुज और जमानतों के बावजूद भी इंसानी हुकूक की पामालियां हो रही हैं और बड़े और मुल्क के जो अहम इदारे हैं चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो जस्टिस एनवी रमन्ना के मुताबिक उनको आगे आने की जरूरत है ताकि न सिर्फ इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके बल्कि जो आज के वक्त में हिरासती तशद्दुद है और पुलिस मजालिम है या दीगर मसाइल हैं उनके अजाले के लिए तमाम इदारों को मुतहरिक और मुस्तहकम होने की जरूरत है तभी जाकर इन मसाइल और जो थाने के अंदर पेश आने वाला तशद्दुद है इस तरह के वाकयात रोनुमा होते हैं मुल्क के अंदर उनको अगर कम किया जाना है तो सरकारी और गैर सरकारी इदारों को भी इस वक्त मुश्तरका कार्रवाई की जरूरत है आज के वक्त में। दूसरी बड़ी बात इस वक्त आज मुल्क के अंदर कई ऐसे मामलात हैं जो सरकार के मुताबिक अनरिपोर्टेड हैं, कई ऐसे केसेस जो अदालतों के सामने नहीं पहुंचते हैं उन ऐसे केसेस को सामने लाकर नौजवानों को बच्चों को बुजुर्गों को खवातीन को इन केसेस में तहफ्फुज़ फराहम करना इंसाफ उनको फराहम करना इसको यकीनी बनाने के लिए खास तौर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से एक बार फिर इस पर जोर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बड़ा बयान सामने आया है और ये बड़ा बयान उस वक्त सामने आया जब चीफ जस्टिस नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एहतमाम से एक तकरीब से खिताब कर रहे थे और उस दौरान पुलिस निज़ाम यानी पुलिस स्टेशन के अंदर हिरासत में लेने FIR टॉर्चर की उन्होंने बात की और उसके बाद जो जमानतें और तहफ़ुज़ात और जो खदशात उसके साथ साथ जुड़े हुए हैं मुआशरे के उस पर वो तबादले ख्याल कर रहे थे जिस दौरान उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि हिरासती तशद्दुद और पुलिस मजालिम के बढ़ते हुए वाकात पर जो तहफ़ुज़ात उन्होंने किया उन्होंने कहा कि ये आईन के लिए एक बड़ा ख़तरा है और इससे निपटने के लिए हम सब ने काम करना होगा यानी एक सुधार की पहल और सुधार की आवाज़ जो है वो चीफ जस्टिस की तरफ से सामने आई है पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से और पुलिस स्टेशंस के हवाले से। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार हिज़्ब इख्तलाफ ने भी कई दिनों से ये जो हिरासती तशद्दुद और पुलिस मजालिम का मामला है इसको लेकर ऐवान के अंदर और ऐवान के बाहर बड़ी बातें की थी लेकिन अब आवाज़ जुड़ी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की और इंतज़ार है कि हुकूमत की तरफ से इसका रद्द अमल क्या कुछ हो सकता है। तो ये तो बात थी जनाब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की।